नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शॉप में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी प्रिपरेशंस को, आपकी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल सेशंस लेके आया हूँ, जिसमें अपन बात करेंगे एक डीआई सेट, राइट, जो आपके मेंस लेवल का डीआई सेट है। ओके, आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, राइट, सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा, राइट। एक अच्छा डीआई है जो मेरे सीरीज चल रही है 50 डीआई सेट की, राइट, यानी कि टोटल्स 50 डीआई सेट अपन डिस्कस करेंगे। 5 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इतनी गारंटी है, मेंस चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस हो या आरआरबी क्लर्क मेंस हो, एक भी क्वेश्चंस इन जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके लेवल से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। कहने का मीन्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आपका डीआई सेट बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। ओके, तो आज मैंने डीआई सेट लिया है लाइन ग्राफ, राइट, लाइन ग्राफ बेस पर डीआई सेट है जो कि एक अच्छा डीआई है, राइट, एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट सेशन देखिएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड द वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, कंप्लीट सेशंस देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, राइट, माई डियर एस्पिरेंट्स प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ एक बार मेरी मेहनत और आपकी हेल्प के लिए लाइक बटन पर प्रेस करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा आपको कैसा लगा। ओके, जो मेरे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको बताते चलो, ये मेरी 6th क्लास है, एंड कहने का मीन से 5 डीआई सेट, यानी कि प्रत्येक क्लास में जितना टाइम मिलता है मेरे को, मैं एक डीआई सेट आपके सामने शेयर करता हूँ, राइट। 5 ऐसे डीआई सेट मैं शेयर कर चुका हूँ, उनके क्वेश्चंस के साथ मैंने शेयर किया है, विद बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ शेयर किया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले उन सेशंस को जरूर देख लीजिएगा। ओके, और आज अपनी 6th का क्लास है, यानी कि कहने का मीन्स 6th डीआई सेट है। ओके, तो प्लीज़ देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट सेशंस। स्टार्ट करते हैं, देखिए जिनको प्रीलिम्स यानी कि जो एनआईसीएल का एग्जाम्स, राइट, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम्स प्रीलिम्स का, उनके लिए भी एक वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है जिसमें पर्टिकुलर आपकी टॉप 11 डीआई सेट दिए हैं, राइट। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, इन टॉप डीआई सेट, टॉप 11 डीआई सेट है, उनकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। ओके, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है, अपलोड मैंने करके रखा है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अगर नहीं होता कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा एक तरह से कहें अच्छा क्वेश्चंस, क्लर्क मेंस का क्वेश्चंस मैं पहले बताते चलो, पीओ मेंस में अपन एक तरह से कह सकते हैं इससे हाई लेवल रहेगा, बट क्लर्क मेंस में इससे हाई लेवल नहीं जाएगा, राइट। ये एक लास्ट में एक तरह से कह सकते हैं अच्छा पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और क्लर्क मेंस के लिए इनफ है, इतना ही लेवल रहने वाला है। अब देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से, देखिए पहले एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा डीआई सॉल्व करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाता है तो प्लीज ध्यान से मेंस का एग्जाम से, प्रीलिम्स का नहीं है, प्रीलिम्स में ऐसा चल सकता था कि डीआई का अपन ग्राफ देते ही अपने को पता चल जाता था या वगैरह कुछ भी देखो तो अपने को पता चल जाता था, बट मेंस के डीआई में हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शंस पूरा पढ़िएगा कि डायरेक्शंस में क्या दे रखा है,
मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि आरआरबी है तो हिंदी ज़्यादा मोटिव रहता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डायरेक्शंस क्वेश्चंस आपके रहें। ओके, तो डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। स्टडी द केयरफुली, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, यानी कि जो फॉलो दे जो नीचे दे रखे हैं। द ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी स्पेंट बाय अविनाश ऑन एजुकेशन, हाउसहोल्ड एंड अदर्स इन डिफरेंट मंथ, राइट। यानी कि जो ग्राफ है लाइन ग्राफ का जो नीचे दे रखा है वह क्या शो करता है, वह एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, अविनाश नाम का एक व्यक्ति है, जो कि अपना जो इनकम है, अपनी जो सैलरी है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, उसको जो सैलरी मिलती है वह 3 डिपार्टमेंट में सॉल्व करता है, यानी कि खर्च करता है, राइट। पहला आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दूसरा हाउसहोल्ड में, तीसरा अन्य खर्चे रहते हैं उसके। ओके, तो ये 3 डिपार्टमेंट एक तरह से कह लीजिए, 3 टाइप्स कह लीजिए, उसमें अविनाश खर्च करता है इतने मंथ में। मंथली सैलरी यानी कि जनवरी में अविनाश है जो कि 45%, याद रखिएगा परसेंटेज है। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये परसेंटेज है यानी कि 45% अदर्स में जनवरी में खर्च करता है। ग्रीन कलर ये आपका 30 है, राइट। तो ग्रीन कलर एजुकेशन, एजुकेशन में यह अपना 30% खर्च करता है, 25% हाउस होल्ड में खर्च करता है जनवरी में। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये आपके टोटल 5 प्रकार के महीने हैं, और इन 5 महीनों में अविनाश है जो कि अपना जो भी इनकम है, जो भी सैलरी है वह खर्च करता है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ही स्पेंट ओनली 60% ऑफ मंथली सैलरी। माई डियर स्पेंट, प्लीज लिसन टू केयरफुली। आप सभी को पता होगा कि आपके 60% ये खर्च करता है, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सैलरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, राइट। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, राइट। ओके, तो इनकम अगर अपन ये आपका 60% खर्च करता है तो इनकम कितनी हुई, अपन मान लेते हैं 100% होता है डेफिनेटली, इसमें से 60% इन्होंने खर्च कर दिया तो बचा कितना, दैट इज द 40%। यानी कि अपने पास सेविंग भी है, अपने पास इनकम भी है, अपने पास एक्सपेंडिचर्स भी आ चुका है, राइट। तो माय डियर स्पेंड क्वेश्चंस में अब अपने पास एक्चुअल सैलरी गिवन अभी तक नहीं आई है, बट यहाँ पर एक मैंने रेड कलर का नोट डाउन किया है। नोट क्या कह रहा है कि मंथली इनकम थ्रू आउट, थ्रू आउट इट मीन्स आपका इंग्लिश का वर्ड है जिसमें होता है कंप्लीट, पूरे के पूरे एक तरह से बात हो रही था ईयर, यानी कि पूरे ईयर की, पूरे कंप्लीट एक साल की, रिमेन कांस्टेंट यानी कि हमेशा के लिए बराबर रहेगी, यानी कि एक महीने में इतनी यानी कि मंथली सैलरी भी दे रखी है। क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। 50,000 मंथली सैलरी है, 50,000 रुपए पर्टिकुलर अविनाश है जो कि प्रत्येक मंथ में कमाता है। ओके, अपन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्लियरली नोट में रेड कलर का इंडिकेशंस दे रखा है कि मंथली सैलरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं, राइट। अब डायरेक्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस नंबर 26 में। ओके, तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर ये चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। नहीं समझ में आई है तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, ट्रिकी इट मीन्स आपके क्वेश्चंस थोड़े से घुमाए हुए हैं, आपको धीरे धीरे अच्छे लेवल पे इनकम और मेन जो सूत्र मैंने आपको बताया है ना उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इनकम, एक सेकेंड, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग,
ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बस आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं पढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं, 1 to 25। अगर आपको पीछे वाले क्लासेस देख रहे हैं तो मेंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंस लेवल क्वेश्चंस की, आप उसमें जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, राइट। तो 1 to 25 पिछली 5 क्लासेस में ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। ओके, अब बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस में इन जून, जून मंथ की बात हो रही है, जून इसमें है ही नहीं। अविनाश स्पेंड 25% लेस अमाउंट ऑन अदर्स एज कम्पेयर टू वट ही स्पेंड ऑन अदर्स इन मे। अविनाश नाम का व्यक्ति, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, 50,000 रुपीज इसकी मंथली सैलरी है क्वेश्चन में गिवन। देखिए, अगर आप वीडियो के मिड में जुड़ेंगे या लास्ट में जुड़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ओके, पहले कुछ स्टार्टिंग से आपको जुड़ना पड़ेगा। 50,000 इसकी सैलरी है, 60% ये खर्च कर देता है, राइट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि 25% लेस है अविनाश की जून में, कैसे से मई में, जून में, अदर्स में, यानी कि मई में अदर्स आपका ब्लू कलर नीचे, दैट इज द 38%, 38% है आपका मई में। माइनस का 25% करेंगे इसका इनटू, राइट, यानी कि इसका 25% कम है जो अदर खर्चे हैं ना अविनाश के। सिंपल भाषा में समझिए, जो आपकी मई में इन्होंने इसने खर्चा किया है ना, उससे 25% कम है, राइट। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, राइट। तो 25% डायरेक्ट निकालिए ना, वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। 38 का 25% कितना होता है, डायरेक्ट निकालिए 19, राइट, यानी कि 75%, या तो डायरेक्ट करिए तो 99.5, राइट। तो 9.5 आपका 25% होता है 38 का, तो इसमें से इसको लेस किया तो कितना आया, दैट इज द 28.5, 28.5% है आपकी खर्चे करता है जून मंथ में। अब अपने को क्या चाहिए क्वेश्चंस में, जून के मासिक वेतन, फाइंड द परसेंटेज कंट्रीब्यूशंस टू मनी ऑफ मनी स्पेंड ऑन अदर्स इन जून इन मंथली सैलरी ऑफ जून। मंथली सैलरी जून की, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंथली सैलरी क्वेश्चन में थी कि प्रत्येक महीने समान है, तो 50,000 आपकी सैलरी है। ओके, क्लियर। और जून में ये 28.5% खर्च करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, 50,000 रुपये इसकी सैलरी है, जिसमें से क्वेश्चंस में गिवन था कि ये 60% ही खर्च करता है। स्टार्टिंग्स में आपने देखा होगा, तो 50,000 का 60% कितना होता है, राइट, 30,000, यानी कि 30,000 आपके जून की सैलरी, राइट, जून की टोटल्स हो गए, राइट, यानी कि जून में इतने खर्चे हुए, राइट। बट 28%, 28.5% है जो कि अदर्स में हुए हैं, तो इसका 28.5% कितना होता है, राइट, कितना होता है, 28.5 है, 28 3 8400, और 0.5 इसका 150, कितना आया, दैट इज द 84 85 50, राइट। तो 8550 आपके जून में अदर मंथ में खर्च किए होंगे, 8550 इंटू 100, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसीलिए मेंस का क्वेश्चन है। 20 से 20 निकल गया, 10 से 10 निकल गया, ये 5 से अपने को निकालना है कितने टाइम्स, 17 और 1 17 1, यानी कि 10 आपके नीचे 10 है, तो 10 लगा दीजिए, पॉइंट परसेंटेज 17.1% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो, ओके, और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो 17.1% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपके है 27 नंबर क्वेश्चन, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
सो गाइस देखिए क्वेश्चंस का कहता है, अविनाश इन्वेस्टेड 10% ऑफ द मनी स्पेंट ऑन अदर्स इन जनवरी। अविनाश है जो अदर खर्चे हैं अविनाश के जनवरी मंथ में, उसका 10% ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है, यानी कि जितने अविनाश के खर्चे हैं अन्य खर्चे जनवरी में, उसका 10% वो इन्वेस्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में, राइट। तो उसे निवेश की गई राशि पर 10% का ब्याज मिलता है, राइट। यानी कि 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि मान लीजिए उसने 15,000 रुपये लगाए हैं, तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500 रुपये, ओके। तो 1,500 रुपये उसको ब्याज मिलता है। अब यहाँ पर क्या है पूछा, क्या एक वर्ष में उसके, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी मंथ, सेकंड चीज अदर्स 45%, राइट। तो 45% है आपका जनवरी मंथ में अदर्स के खर्चे, टोटल्स खर्चे कितने हैं एक मंथ में, 30,000। ये कैसे आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था 50,000 सैलरी है, इसका 60% आपके खर्चे हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसका कितना होता है 30,000 आपके टोटल खर्चे हो गए। तो 45% ऑफ 30,000 कितना होता है, 13,500, 13,500 आपके खर्चे हो गए अन्य खर्चे जो कि आपके जनवरी मंथ में करता है। इसको कहता है कि 10% वो व्यवसाय, एक व्यवसाय में, तो इसका 10% कितना होता है, 1,350। ये आपका इसका 10% होता है जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है। अब इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिलता है, ओनली फॉर इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर 10% इसका कितना होता है, 135। क्लियर, आंसर आपका आएगा, दैट इज द बी ऑप्शंस, 135 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चंस, अच्छा लग रहा है ना, मेंस का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड, टाइम टेकिंग होगा, बट समझ में आना चाहिए, ओके। वन थर्टी फाइव इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वॉट इज द डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है किस किस के बीच में, अमाउंट सेव्ड, देखिए सेव्ड आ गया ना, सेव्ड के बारे में मैंने क्या बताया था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इनकम 100% आपकी, इनकम 100%, एक सेकेंड, इनकम है आपकी 100%, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, राइट। इनकम अपन ने मानी है 100%, एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस में गिवन है 60%, सेविंग कितनी होगी 40%। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, एंड अमाउंट स्पेंट एजुकेशन बाय अविनाश इन अप्रैल, अपने को डिफरेंस बताना है कितनी सेव की है अमाउंट आपकी अप्रैल में और कितना एजुकेशन में खर्चा किया है, राइट। तो देखिए, तो पहले तो 40% यहाँ पर 60% उन्होंने खर्चा कर दिया है 100% में से, राइट। तो खर्चे आपके 30,000 टोटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो पहले तो एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ है, राइट, ये निकालिए, अप्रैल ये रहा एजुकेशन, ये रहा ग्रीन कलर, दैट इज द 38%, इसका 38%, इसका 38%, 38 into 3, यानी कि 4 3 120, 3 6 माइनस कर दीजिए तो 14, 11,400, राइट। 11,400 आपकी खर्चे हुए हैं एजुकेशन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी सेविंग बताइए हमको, तो राइट, तो सेविंग और आपको एक्सपेंडिचर में डिफरेंस ही है ना, राइट। तो 40% है आपका सेविंग, टोटल सैलरी कितनी है 50,000, राइट।
50,000 में 40% शेविंग करता है, तो कितनी शेविंग होगी? ट्वेंटी थाउजेंड, इज इट क्लियर? तो 20,000 आपकी सेविंग है, माइनस 11,400 आपकी एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में। तो अप्रैल महीने में टोटल से डिफरेंस कितना हो गया सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच में? तो दैट इज द, इसमें 600 ऐड करिए तो 12,000 प्लस 8,000, तो दैट इज द 8,600 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आता जा रहा है ना, तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारा का सारा क्वेश्चंस क्रिएट करने में, तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। ओके, सी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चंस। देखिए अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है इसमें, पहले आप ट्राई करें, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन इन फेब्रुअरी टू मंथली सैलरी इन फेब्रुअरी। मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी तो सबको पता है कितनी है, 50,000, सबको पता है क्वेश्चन में गिवन थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इज इट क्लियर? अब शिक्षा में खर्च, एजुकेशन में खर्च चाहिए कौन से मंथ का? फरवरी। एजुकेशन 20%, टोटल खर्चे आपको मालूम है 20% ऑफ 30,000, क्योंकि इसका 60% ही इनकम का खर्च करता है। इसका रेशियो निकालना है, डायरेक्ट निकालिए, 3 से 3 जीरो निकल गया, 20% ऑफ 30,000, यानी कि एक तो परसेंटेज से ये निकाल दीजिए, ये परसेंटेज है ना, ये गया ये गया, राइट? ऊपर क्या बचा 6, नीचे क्या बचा 15, तो आंसर क्या आएगा 325। बी डी ऑप्शंस, ये नहीं करिएगा, ध्यान से समझना क्या पूछ रहा। डी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा, 3:25 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द टोटल्स एक्सपेंडिचर मेड इन फेब्रुअरी एक्सपेक्ट एजुकेशन, राइट? टोटल्स एक्सपेंडिचर चाहिए जो आपकी शिक्षा को छोड़कर फरवरी में किया गया है, कुल व्यय ज्ञात कीजिए। फरवरी को छोड़ना है और पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिचर 30,000 है, टोटल्स परसेंटेज निकाल लीजिए उसका, 30,000 में से निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं पूरा DI, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इतने इजी तरीके से, इतने सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की होगी। ओके, समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो इसका आंसर दे दीजिएगा। एक अर्थमेटिक का क्वेश्चंस भी आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, राइट? क्वेश्चंस आपके टाइम एंड वर्क से हैं, ए अलोन 12 डेज में, ए एंड बी आपका काम करते हैं 7.5 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन सी अलोन, आपने कुछ सी की, सी कितना टाइम लेता है, कितना समय लेता है। सी टेक्स 3 डेज मोर देन दैट, बी अलोन टू डू दैट वर्क। सी है जो कि आपके बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है। ओके, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा है और इजी क्वेश्चंस है, एक माइंड फ्रेशर के लिए मैंने क्वेश्चंस दिया है। ओके, जरूर टाइप कर दीजिएगा। क्लियर? नाउ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही कहा था, पहले पूरा कंटेंट देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, PDF के लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओके, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड देन बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।